इस बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सभी जम्मू वासियों के लिए स्पेशल प्रबंध किए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि कल शाम के 4 बजे अपने परिवार सहित जेडीए पार्क वहू फोर्ट में आए, वहां सांस्कृतिक, रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम होगा। उसके बाद माता के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और 7 बजे से लेजर शो होगा, जिसमें जम्मू की संस्कृति, सूर्यपुत्री तवी की अवतार और बाकी ऐतिहासिक चीजें वहां बताई जाएंगी। उसके बाद में जम्मू व्यू का वहां लुत्फ उठाएं, इक्वेरियम का लुत्फ उठाएं और म्यूजिकल फाउंटेन और उसके साथ में ओपन थिएटर, हर की पौड़ी में भी आरती होगी। ये सब प्रबंध आप सबके लिए किए गए हैं नवरात्रों के उपलक्ष में और इस पर्व को ध्यान में रखते हुए। साथ साथ में सबको मेरा विनम्र निवेदन है कि कल से हमारे NSS के वॉलंटियर्स 5 ब्रिज पर अवेयरनेस करते आपको नजर में आएंगे, जो ये कहेंगे कि सूर्यपुत्री तवी को पवित्र रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और साख का विसर्जन नहर में करें। हमारी लेक बनने जा रही है अगले साल और अभी से हमें उसका पानी स्वच्छ रखने के प्रबंध करने पड़ेंगे। साख का विसर्जन तवी में ना हो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि एक तो झील का पानी हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, वही पानी हमारे पीने के काम में आएगा और पानी का नीचे उसके ठहराव रहेगा, ऊपर वाला पानी बहता रहेगा। इसलिए इस तरफ हमको बहुत ही सचेतता के साथ आगे ध्यान में रखते हुए बढ़ना पड़ेगा। जहां से हम पानी खींचते हैं वहां भी जमावड़ा हो रहा है और लोगों को पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, विसर्जन किसी प्रकार का भी तवी में ना होने दें और इसकी अवेयरनेस के लिए कल से NSS के वॉलंटियर्स आपको अवेयर करते हुए नजर आएंगे। और जो हमारे सफाई के ऑटो हैं उसमें आज से सूचना होनी शुरू हो गई है। जम्मू हमेशा ये कहता रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी होने के कारण और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता के और कुशल नेतृत्व के कारण ये सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। आप सब वहां आए और नवरात्रों का लुत्फ उठाएं और माता का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। मैं आज भी उस वादे पे स्टैंड करता हूं। हमने कहा था कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने सबने देखा है, हमने हाउस में कोई ड्राफ्ट नहीं लाया है, ना ही हमने रेजोल्यूशन पास कराया है। हमारे डेमोक्रेसी में 3 टायर ऑफ सिस्टम होता है, लोकल बॉडीज और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर कोई चीज पास करती है तो असेंबली को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और असेंबली अगर करती है तो फिर लोकल बॉडीज को करना पड़ता है। तो अभी हमारा एक्ट में संशोधन हुआ और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसने ये निर्णय लिया, तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक ज्यूरिडिक्शन है, एक मेरी हदबंदी है, वहां से हमने कुछ नहीं किया। राजेंद्र जी, किन लोगों ने जमीन खरीदी है, मकान? देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, जहां तो हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने और जहां फिर हम क्लोज और कंफ्यूज सोसाइटी बने। आप सबको जानकारी है, गुजरात में 2 लीडर्स ऐसे आए जिन्होंने गुजरात को पूरे देश में नंबर 1 कर दिया। अब हमने उस नीति पे चलना है
और जहां फिर कंफ्यूज सोसाइटी रहना है।